नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत हरिक थाना क्षेत्र में शनिवार की शाम बदमाशों ने एक बच्चे को लाठी डंडे से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान तुलसीपुर जमुनिया निवासी भुट्टोई बैठा के 5 वर्षीय पुत्र अरमान बैठा के रूप में हुई है। मामले को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि खेलने के क्रम में मृतक बच्चे की मां सकीना खातून का पास कहीं सद्दाम बैठा और शमशेर बैठा की पत्नी शहनाज खातून व शमशेर बैठा की पत्नी सोनी खातून के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद शाम 4 बजे के करीब शमशेर और सद्दाम भुट्टो बैठा के घर जाकर उनकी पत्नी और बच्चे की बेरहमी से पिटाई करने लगे। लाठी और डंडे से पिटाई होने के कारण बच्चे के सिर में चोट लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं परिजनों ने आनन फानन में बच्चे को नवगछिया मंडल अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने मायगन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और रास्ते में लाने के क्रम में अरमान की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक दोनों बदमाशों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि मामले में उक्त आरोपियों को किसी जनप्रतिनिधि द्वारा संरक्षण देने की बात भी सामने आ रही है। वहीं पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, जबकि दोनों बदमाश मौके से फरार है। ना हुआ कि हम लोग मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करके पेट पालते हैं, उतने देर में जो है ये लोग जो है मौका का फायदा हुआ, घर में नहीं हम लोग थे, उसके बाद जो मर्द हो के औरत का झगड़ा है, बच्चा का झगड़ा है, मर्द हो के पीट के चला गया। हमको मार देता, हमको कोई शक नहीं। कौन मारा है बच्चे को? शमशेर बैठा और सद्दाम बैठा। कौन है ये लोग? ये लोग है मुखिया से मिले हुए हैं। कहाँ रहता है ये लोग? ये लोग वहीं पर रहते हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज में प्रॉपर्टी डीलर अपहरण कांड मामले को लेकर एक बार फिर लोगों ने थाना का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसको लेकर परिजनों का कहना है कि शनिवार को हुए हंगामा के बाद सीनियर एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर आश्वासन दिया था कि रविवार को 10 बजे तक प्रॉपर्टी डीलर को बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक प्रॉपर्टी डीलर की बरामदगी नहीं हो पाई है। वहीं हंगामा कर रहे लोगों ने कहा कि पुलिस अपहरण मामले को झूठा साबित कर हत्या कर देने की बात कह रही थी, जबकि अब तक इस मामले में शामिल 5 में से 2 अपराधियों को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 3 अपराधी अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर है, जिससे पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। इधर हजारों की तादाद में ग्रामीण और परिजनों ने थाना में पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि इस मामले की जांच डीएसपी से लेकर एसएसपी तक को करना पड़ा, लेकिन अब तक प्रॉपर्टी डीलर की बरामदगी नहीं हो पाई है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दिया था कि हम लोग 10 बजे तक आपको ढूंढ के निकाल देंगे, लेकिन अभी तक हमको कोई रिपोर्ट नहीं आया है। जब हम लोग जाम कर रहे थे रोड, ये लोग उठा दिया जबरदस्ती हम लोग को, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दिया है। तो अब आगे की क्या आपका आगे है? यही कि फिर हम चारों तरफ का रोड जाम कर देंगे, और मेरा अगर पति नहीं भी है तो गया कहाँ, उसका बॉडी भी तो दे लाके, अब तो हमको विश्वास होगा ना उस पे। उसको चाबी मिला, मोबाइल मिला, हमको दिखा के, हमको भी दिखा के गुमराह किया है मोबाइल से, लेकिन मेरा पति को दो ना लाके, तब तो हम लोग विश्वास करेंगे ना। क्या अभी क्या बोल रहे हैं प्रशासन? अभी कुछ नहीं प्रशासन बोल रही है, हम लोग घर से आए हैं यहाँ फिर रोड को जाम करने, धरना देने के लिए। भागलपुर में अपराधियों का हौसला काफी बुलंद है। जरा सी बात पर हथियार के बल पर सरेआम लोगों को गोली मार दी जाती है। ताजा मामला बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजेपुर सुर्खी कल का है, जहां रविवार को दिन दहाड़े एक अभियुक्त ने नशा पान के लिए पैसे नहीं देने पर एक सेंटरिंग मिस्त्री को गोली मार दी। घायल व्यक्ति की पहचान स्थानीय निवासी मनोज यादव के रूप में हुई है। वही मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि पास के ही सूरज तांती ने उसने नशा पान के लिए 1,000 रुपये की रंगदारी मांगी, जिसका विरोध जताने पर उसने हथियार निकालकर जान से मारने की धमकी देने लगा और मौका मिलते ही गोली मारकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक सूरज तांती ने 3 राउंड गोली फायर की, जिसमें आसपास के लोगों द्वारा बीच बचाव किए जाने पर 2 राउंड गोली मिसफायर हो गए, लेकिन एक गोली मनोज यादव के सीने के आसपास जा लगी। इधर घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने मनोज यादव को आनन फानन में मायगन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है, जबकि घटना की जानकारी मिलने पर बरारी पुलिस भी मौके पर पहुंची और पीड़ित के बयान पर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पैसा मांगे रहे थे। कौन मांगा था पैसा? उसके बाद ये चला दिया, पहले भी पैसा उसका मांगे कुछ झगड़ा? कोई झगड़ा नहीं है, जरूरत घर कहाँ होले आप? जिनका गोली लगले वो केच के आपने?
पति नाम की होले उनको हम काम पर से आए, उसके बाद देखे तो वहाँ पर मोमेंट हो रहा था, झगड़ा हो रहा था मामी से, मतलब माए बेटा में हो रहा था। उसके बाद मामा गए वहाँ पर, तो उसको बोला कि चाचा पैसा दीजिए, तो वो बोला कि कौन पैसा, तो बोले कि मेरा पैसा पैसा दीजिए, तो बोला कि पैसा हम नहीं दे रहे, तो हम नहीं जानते हैं सूरज हाँ बोला कि हम नहीं जानते हैं वो पैसा, तो फिर बोला कि पैसा तो तुम्हारा पैसा जब नहीं जानते हो तो हम भी नहीं जानते हैं, बस एक थप्पड़ चला दिया। जैसे थप्पड़ चलाए तो हम जा रहे थे मामी को बुलाने के लिए, और बुलाने के लिए जैसे जा रहे थे तो पिस्तौल निकाल के ऊपर मार दिया, तो वहाँ पर कुछ आवाज़ भी नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं, वो हम तो पीछे थे अपना घर की तरफ, वो जिधर से आते हैं तो देखते हैं कि उधर से मामा उमा सब चिल्लाते हुए आए, तो बोलता है कि पैसा 1000 रुपया मांग रहा है। कौन मांग रहा था पैसा? सूरज काफी पैसा मांग रहा था, वो कहाँ से देगा, कमाने वाला मजदूर आदमी ये कमाता है खाता है रहता है। क्या बोल के पैसा मांगा कि 1000 रुपया रंगदारी? भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा और दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन एनसीसी की रविवार को 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आयोजित कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन ब्रिगेडियर उदय ने दीप प्रज्वलन कर किया, जबकि इस दौरान रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन ब्रिगेडियर उदय जावा ने फीता काट कर किया। वहीं एनसीसी डे के अवसर पर कार्यक्रम में कई कॉलेजों एवं विद्यालयों के एनसीसी कैडेट्स ने शामिल होकर रक्तदान शिविर में अपना योगदान दिया। इस दौरान एनसीसी के कैडेट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी, जिसकी वहां मौजूद लोगों ने खूब सराहना करते हुए सभी कैडेट्स और अधिकारियों को एनसीसी डे की शुभकामनाएं दी। इधर 23 बिहार बटालियन, 2 गर्ल्स बटालियन, 4 बिहार बटालियन की टीम और 3 सिग्नल कंपनी ने भी कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाई। मौके पर कर्नल प्रकाश जगदाले, कर्नल राजवीर सिंह, डिप्टी कमांडेंट विनोद शेखावत, कर्नल लोहानी, कर्नल सुनील रावत, कर्नल सुभाष समेत दर्जनों पदाधिकारी एवं एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे। भागलपुर फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा सैंडिस कंपाउंड में आयोजित बुनिल द मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार को बरहपुरा 11 स्टार फुटबॉल क्लब और एमएफसी खरैया टीम के बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और निर्धारित अवधि तक कोई भी गोल नहीं कर सकी, जिसके बाद टाई ब्रेकर के जरिए मैच का परिणाम निकला, जिसमें बरहपुरा की टीम ने अपने प्रतिद्वंद्वी एमएफसी खरैया टीम को 6-4 के अंतर से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार बरहपुरा टीम के शुभम कुमार को मिला, जबकि मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले गौरव कुमार को मिला। इससे पूर्व फाइनल मैच का उद्घाटन आनंद मिश्रा और सलाउद्दीन अहसन ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया, जबकि इस दौरान बेहतर खेल के लिए दोनों टीम के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। वहीं मुख्य अतिथि जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण, विजय कुमार यादव, मिराज पप्रू, डॉक्टर विवेक और फारूक आजम समेत कई लोगों ने बुनिल दा को याद करते हुए इस तरह के आयोजन को बढ़ावा देने की बात कही। मौके पर कार्यालय सचिव असर आलम, अमरेंद्र मोहन, नजर आलम, सादिक हसन, डॉक्टर अर्जुन समेत काफी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। आज बुनिल दा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा सत्र खेला गया, जिसमें 8 टीमों ने भाग लिया था, भागलपुर की 8 टीमों ने, और आज यहां पर फाइनल मैच खरैया और बरहपुरा 11 स्टार के बीच खेला गया। ये हर साल ये मैच चलेगा और इसमें भागलपुर फुटबॉल संघ और सभी लोगों ने सहयोग किया और इसको हम लोग जारी रखेंगे और हम धन्यवाद देना चाहते हैं भागलपुर की जनता को। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर।
भागलपुर से दुमका की ओर जा रही कार में जगदीशपुर थाना के समीप शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में सभी कार सवार यात्री को लोगों की मदद से कार के बाहर निकाला गया। वहीं इसके बाद लोगों ने जगदीशपुर थाना परिसर में कुआं देखते ही कार की आग बुझाने के ख्याल से कार को जगदीशपुर थाना परिसर में धकेल दिया, जहाँ कार धू धू कर जलने लगी। इधर लोगों ने कार में लगी आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन कार पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी के जान माल की क्षति होने की खबर नहीं है। इसको लेकर कार सवार ने बताया कि वो यात्रियों के साथ कार लेकर भागलपुर मुख्य मार्ग होकर दुमका की ओर जा रहा था, तभी जगदीशपुर बाजार के समीप शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार पूरी तरह से आग में जलकर बर्बाद हो गई। बिहार के किशनगंज स्थित ठाकुरगंज प्रखंड में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई एक मजदूर की मौत के बाद नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया है। आक्रोशित लोगों ने ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत जिलेविया मोड़ के समीप ग्रामीण सड़क को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि जीआर कंपनी में कार्यरत एक मजदूर मनोज किस्कू की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर परिजन एवं ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सड़क पर टायर जलाकर जमकर हंगामा एवं तोड़फोड़ भी की। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही ठाकुरगंज पोठिया कुरलीकोट सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और नाराज ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। इधर SDM अमिताभ कुमार गुप्ता और SDPO अनवर जावेद अंसारी भी मौके पर पहुंचे और नाराज ग्रामीणों को समझाने की कोशिश में जुट गए। बता दें कि GR कंपनी द्वारा गलगलिया अररिया सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें कार्यरत मजदूर की मौत हो गई और इसी को लेकर हंगामा शुरू हो गया। वहीं मृतक मजदूर के परिजनों ने बताया कि उसके भाई की मौत रात में हुई थी, लेकिन उन लोगों को इसकी सूचना नहीं दी गई और जब तक पूरे मामले का खुलासा और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। यहाँ पे मेरा बड़ा भाई का मर्डर हुआ है, जो ये GR वाला जो है ना, रात में 11 बजे 8:30 बजे उसका मर्डर हुआ है, लेकिन हम लोग को इन्फॉर्म ये लोग किया भी नहीं, एक भी नहीं किया है इन्फॉर्म। और ये लोग अपने आप जो मर्डर जहाँ पे हुआ था वहाँ से लेके आया जीआर में लेकर के अपने लेके गया है वहाँ पोस्टमार्टम के लिए, और हम लोगों को अपना पर जो जहाँ जिसका मर्डर हुआ है उसका परिजन तो फोन नहीं किया। बघा के भैरोगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेट बैंक के समीप अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक में बघा अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर शनिवार की शाम छापेमारी की गई। छापेमारी टीम का नेतृत्व बघा BPRO विजय कुमार और PSC प्रभारी डॉक्टर SN महतो ने किया। छापेमारी टीम में भैरोगंज थाना प्रभारी भरत कुमार, ASI सुधीर कुमार और सुनील कुमार समेत आधा दर्जन से अधिक महिला और पुरुष पुलिसकर्मी शामिल थे। वहीं मामले को लेकर PSC प्रभारी ने बताया कि क्लिनिक में 5 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए मंडली अस्पताल बघा भेज दिया गया है, जबकि ऑपरेशन करने वाला झोला छाप चिकित्सक और सभी कर्मी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जबकि भवन मालिक के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मामले का खुलासा होने पर सभी दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मकान मालिक से भी पूछताछ कर रही है, जबकि फरार झोला छाप डॉक्टर की भी तलाश जारी है। वहीं छापेमारी दल के पहुंचने की खबर फैलते ही भैरोगंज बाजार में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और दवा की दुकानें बंद। बता दें कि हाल ही में रामनगर में गर्भाशय निकालने को लेकर कई निजी क्लिनिकों पर छापेमारी कर सील किया गया था, लेकिन इसके बावजूद धड़ल्ले से फर्जी रूप से क्लिनिक, लैब और अवैध रूप से कई दुकानों का संचालन जारी है। PSC बघा 1 के द्वारा आज नैरोगंज में अवैध तरीके से चलाया जा रहा नर्सिंग होम पर छापेमारी की गई है, जिसमें 5 पेशेंट ऑपरेटेड थे, 4 में से कम उम्र के औरतों का बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया था और 1 पेशेंट का सीजेरियन सेक्शन किया गया था, जो कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट का कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं था और बच्चा भी डेथ निकला। और चूंकि ये सब झोले छाप चिकित्सकों के द्वारा चलाया जा रहा था और इसमें आशा के बड़गलावे के कारण मरीज वहां पे गए थे और पेशेंट पार्टी ने आशा का नाम रखा है, जिसमें 2 आशा नड्डा का नाम रखा है, एक मालती देवी है और दूसरी रीमा देवी है, जो कि दोनों नड्डा की है, और फिलहाल हॉस्पिटल पे रेड करके सील कर दिया गया है और ये दोनों आशा पे कार्रवाई के लिए अनुशंसा। थांगटा फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मणिपुर के खुमान लंपक इंडोर स्टेडियम में 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित होने वाले 28वें जूनियर राष्ट्रीय थांगटा प्रतियोगिता को लेकर बिहार टीम के कोच और 2 रेफरी के अलावा 19 खिलाड़ियों को यूको बैंक के द्वारा ट्रैक सूट स्पॉन्सर किया गया है। इसको लेकर बिहार थांगटा संघ के महासचिव विकास कुमार झा ने बताया कि इन सभी खिलाड़ियों का चयन इसी वर्ष 15 और 16 अक्टूबर को लखीसराय खेल भवन के इंडोर स्टेडियम में आयोजित द्वितीय राज्य स्तरीय
स्तरीय थांगटा प्रतियोगिता के दौरान बेहतर प्रदर्शन के कारण किया गया है, जिसमें कहलगांव एनटीपीसी, संत जोसेफ स्कूल, भागलपुर चौहान पब्लिक स्कूल, जमालपुर नोटे ड्रेम अकादमी, मोकामा नाजरेत अकादमी के खिलाड़ी शामिल है, जबकि कोच एनटीपीसी कहलगांव के विकास कुमार झा, रेफरी मोकामा के सुबोध कुमार यादव और बेगूसराय के लाल बाबू सहनी है। विकास झा ने बताया कि इन सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए रविवार को यूको बैंक के अधिकारियों ने नेशनल के सभी प्रतिभागियों को एनटीपीसी ब्रांच में ट्रैक सूट और जरूरी सामान सौंपा, जबकि वरिष्ठ शाखा प्रबंधक राजीव रंजन, सहायक शाखा प्रबंधक विभा श्रीवास्तव और शाखा प्रबंधक राहुल टिबरेवाल समेत कई अधिकारियों ने बिहार थांगटा संघ के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा संघ के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए बिहार टीम का परचम राष्ट्रीय स्तर पर लहराने की बात कही। बता दें कि थांगटा प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए बिहार टीम 29 नवम्बर को नवगछिया से अवध आसाम एक्सप्रेस से रवाना होगी, जिसके लिए खिलाड़ियों में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। मैं विकास कुमार झा, बिहार थांगटा एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि इस बार 28 जूनियर नेशनल थांगटा चैंपियनशिप मणिपुर के इम्फाल में जो आयोजित हो रही है, जिसमें बिहार के 19 खिलाड़ी और 3 ऑफिशियल का चयन किया गया है। ये खिलाड़ी बिहार के अलग अलग जिला से हैं, जिसमें NTPC सेंट जोसेफ स्कूल भागलपुर के 8 खिलाड़ी हैं, चौहान पब्लिक स्कूल भागलपुर की 1 खिलाड़ी हैं, नेप्टो डैम अकेडमी जमालपुर के 2 खिलाड़ी हैं और नशल अकेडमी मोकामा के 8 खिलाड़ी हैं। इन सभी खिलाड़ियों का चयन लखीसराय में आयोजित सेकेंड स्टेट थांगटा चैंपियनशिप के दौरान किया गया था। भागलपुर बाईपास TOP थाना के मंदिर परिसर में विगत कई वर्षों से चल रहे प्रेम प्रसंग के मामले में थानाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव की पहल पर प्रेमी युगल की शादी करा दी गई। दरअसल मामला बाईपास TOP थाना क्षेत्र अंतर्गत गौराचक्की का है, जहां विगत 3 वर्षों से एक ही गांव के गुड्डू कुमार और काजल कुमारी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जबकि दोनों की शादी में आ रही अड़चन और मामले को बिगड़ता देख TOP थाना प्रभारी ने दोनों पक्ष के लोगों को बुलाकर थाना परिसर स्थित मंदिर में प्रेमी युगल की शादी करा दी। बताया जा रहा है कि लड़की के पिता उसकी शादी किसी और लड़के से कराने की तैयारी में थे, जिसकी सूचना लड़की अपने प्रेमी को फोन पर दी। इसके बाद गुड्डू और काजल अपने अपने घर से निकलकर बाईपास TOP थाना पहुंचे और थाना में अधिकारी के समक्ष पूरी बात बताकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। वहीं मामले में तत्परता दिखाते हुए TOP प्रभारी ओम प्रकाश यादव ने दोनों परिवार को थाना में बुलाकर मंदिर में शादी संपन्न कराई। हालांकि शादी के बाद वर पक्ष के लोगों में खुशी देखी गई, लेकिन लड़की के परिवार वाले नाखुश नजर आए। भारत विकास परिषद भागलपुर शाखा और लायंस क्लब इंटरनेशनल की ओर से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर 4 और 5 दिसंबर को निशुल्क कृत्रिम अंग उपकरण माप शिविर का आयोजन नया बाजार स्थित मोती मात्र सेवा सदन में किया जाएगा। इसको लेकर रविवार को भागलपुर के स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें शिविर से संबंधित तमाम बातों की जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के अध्यक्ष रतन कुमार संथालिया ने विकलांग मुक्त समाज बनाने की बात करते हुए कहा कि शिविर के माध्यम से दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए माप लिया जाएगा और अंग तैयार हो जाने के बाद निशुल्क लगाने की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद सेवा और संस्कार उन्मुख अराजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक और स्वयंसेवी संस्था है, जिसका उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना और समाज से दिव्यांगता जैसी समस्या को दूर कर उन्हें जीवन की मुख्यधारा से जोड़ना है। साथ ही वहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि भारत विकास विकलांग पुनर्वास केंद्र एवं संजय आनंद विकलांग अस्पताल और रिसर्च सेंटर पटना के डॉक्टर एवं टेक्नीशियन की टीम नवजीवन शिविर में कटे हुए हाथ पैर की जांच कर मापी लेगी, जिससे अगली निर्धारित तिथि पर अंग का प्रत्यारोपण किया जा सके। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्योति पुंज मेहरोत्रा, रविंदर गुप्ता, जॉनी संथालिया समेत लायंस इंटरनेशनल और भारत विकास परिषद से जुड़े कई सदस्यों ने संबोधित किया। हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बिहार को विकलांग मुक्त करना। उसी संदर्भ में हम अभी भागलपुर जिले को विकलांग मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर हम लोग 4 और 5 दिसंबर को मोती माती सेवा सदन में सुबह 8 बजे से उन विकलांगों को जिनका पैर और हाथ नहीं है उनको हम लोग आर्टिफिशियल पैर और हाथ लगाने का काम करेंगे। पटना से हमारी टीम आएगी और डॉक्टरों की टीम आएगी और वो लोग आकर के इसमें मरीजों की जांच करेंगे। जांच करने के बाद नाप लेंगे। नाप करने के उपरांत फिर जब इनका उपकरण बन जाएगा तब पुनः हम लोग एक तिथि निर्धारित कर करके उस तिथि पर इन लोगों को वह वितरण करेंगे निःशुल्क। भागलपुर के आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग इसमें आ सकते हैं। हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग वहां तक पहुंचे भी और इसमें हम लोगों को आप लोगों का सहयोग चाहिए
कि हम ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक ये बात पहुंचा सके, ताकि लोग जिनको भी जरूरत है, जो जरूरतमंद है, आप समझ सकते हैं कि जिनका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, उनको रोजमर्रा के काम करने में कितनी दिक्कत आती होगी। तो हम लोगों का यह प्रयास है कि उनको हम ये कृत्रिम उपकरण दे करके और उनके जीवन को थोड़ा सा उसके सहायता कर सके हम कि वो अपने जीवन को अच्छे से अपन कर पाए। इसमें हम लोग आप लोगों का सुनता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।